नमस्कार, मैं प्रिया। बिहार की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय डाक में निकाली गई भर्ती, पटना में स्टाफ कार चालकों के लिए। भारतीय डाक विभाग ने 10 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों पर भर्ती करने वालों की आयु सीमा 27 वर्ष है। रेलवे ने 10वीं पास के लिए निकाली कई पदों पर भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने उत्तर रेलवे में कई पदों पर भर्ती आवंटित करने का फैसला किया है। आरआरबी एमटीएस में आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी पद के लिए आवेदन करने मात्र से ही अभ्यर्थी को योग्य नहीं मान लिया जाएगा, बल्कि इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। पटना जंक्शन को मिला देश का सबसे बड़ा वेटिंग रूम। पटना जंक्शन द्वारा देश का सबसे बड़ा वेटिंग रूम उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस वेटिंग रूम का उद्घाटन किया, साथ ही साथ पटना जंक्शन और अन्य सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। इस नए वेटिंग रूम में 500 यात्रियों के अकोमोडेशन की सुविधा है। 30 जिलों में 8 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव की तैयारी हुई तेज। बिहार विधान परिषद में 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के कारण सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। स्नातक व शिक्षक मतदाताओं को इन 8 सीटों के लिए राज्य के 30 जिलों से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। व्यक्तिगत और जातीय ताकत का प्रयोग कर चुने गए मतदाताओं के बीच प्रत्याशी संपर्क बनाने की पहल शुरू करेंगे। सरकार आम लोगों से खरीदेगी बिजली। सरकार अब आम जनता से बिजली खरीदने की योजना बना रही है। इसके तहत सरकार जल्द ही निजी आवासीय भवनों के रूफटॉप ग्रिड कनेक्टर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। इसके साथ साथ राज्य के करीब 300 सरकारी भवनों में रूफटॉप ग्रिड कनेक्टर सोलर पावर प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे 2641 किलोवाट बिजली पैदा होगी। बिहार महागठबंधन में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की लड़ाई जारी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में फूट देखने को मल रही है। जहां एक ओर हम प्रमुख जीतन राम मांझी किसी दलित को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर राजद प्रमुख तेजस्वी यादव यह साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार वही रहेंगे। उफान पर है गंगा और घाघरा। पटना के सारण जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले में गंगा और घाघरा नदी पूरी तरीके से उफान पर है। पानी का स्तर बढ़ने से रिवीलगंज प्रखंड का पूरा दियारा क्षेत्र रातोंरात जलमग्न हो गया है। गंगा के पानी में 3 सेंटीमीटर और घाघरा के जल स्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो गई है। बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कुशवाहा ने उठाया सवाल। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने एनआईओएस से डीएलईडी की डिग्री को बिहार में शिक्षक नियोजन में मान्यता नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। जदयू और भाजपा में एनआरसी मुद्दे को लेकर जुबानी जंग जारी है। जहां एक ओर भाजपा बिहार में एनआरसी लागू करवाना चाहती है, वहीं जदयू इसके सख्त खिलाफ है। इसी बीच बीजेपी एमएलसी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के उदारता से ही नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। अब रीजन प्रोडक्ट्स को बाजार मुहैया करवाएगा उद्यमी मेला। बेरोजगार युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए और राज्य के क्षेत्र विशेष के उत्पाद को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए उद्यमी मेला लगाने की योजना है। मेले में अच्छे उद्यमियों के उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल की भी व्यवस्था होगी। हम प्रमुख मांझी के बयान पर तेजस्वी ने जताया ऐतराज। तेजस्वी यादव ने हम प्रमुख मांझी के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि लालू यादव के कारण ही आज दलित और पिछड़ा अपना हक मांग रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा से दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी चाहती है। हमारा पहला काम साथ मिलकर बीजेपी को हटाना होगा। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। अब हाल ही में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी की अपनी कोई ताकत नहीं है। आज तक कभी नीतीश अपने दम पर सीएम नहीं बने हैं। 15 वर्ष लड़ने के बावजूद उनमें अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मिली बड़ी राहत। रेलवे विभाग ने हमसफर एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब हमसफर एक्सप्रेस में टिकट के किराये में फ्लेक्सी फेयर चार्ज नहीं लगेगा, जबकि इस एक्सप्रेस का बेस फेयर चार्ज पूर्व की तरह रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सिटीजन केयर जल्द ही करने जा रहा है बिहार के पहले रिफाइनरी की स्थापना। सिटीजन केयर राज्य का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना करने जा रहा है। दरअसल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच हर देश ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। ऐसे में बिहार में स्थापित होने वाली बायोडीजल रिफाइनरी बिहार के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी। दिवाली छठ के अवसर पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिवाली छठ पर घर आने वालों के लिए खुशखबरी है। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। इसमें मालदा टाउन हरिद्वार, हावड़ा गोरखपुर और हावड़ा से छपरा एक्सप्रेसवे शामिल है। अब बिहार एसटीईटी परीक्षा में मैथिली विषय वाले भी भर सकेंगे आवेदन। बिहार बोर्ड ने आगामी बिहार एसटीईटी परीक्षा में पेपर 2 के लिए मैथिली भाषा को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें मैथिली विषय में 105 रिक्तियां हैं जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
तेजस्वी ने किया जदयू राजद महागठबंधन से साफ इनकार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू के साथ महागठबंधन की बात से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जदयू के साथ महागठबंधन की बात करने से कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि पिछले 15 साल में बिहार भाजपा का कोई चेहरा अब तक सामने नहीं आया। नीतीश कुमार ने भाजपा को पिछलग्गू बनाकर रखा है। ऐसे लोगों के साथ जाना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कभी भी अशुद्ध पानी की आपूर्ति ना हो। हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रीपेड मीटर जल लगाए जाने की अपील की है, ताकि लोग पानी का दुरुपयोग ना कर सके। फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन के प्रदूषित जल के शुद्धिकरण का कार्य ठीक से हो। कुल मिलाकर ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कहीं भी अशुद्ध पानी की आपूर्ति ना हो। सात निश्चय के सभी काम जल्द से जल्द हो पूरे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देकर सात निश्चय से बचे सभी काम को हर हाल में समय पर पूरा करें। सात निश्चय कामों में दो निश्चय यानी कि महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण और हर घर में बिजली कनेक्शन के काम को पूरा कर लिया गया है। बाकी बचे निश्चय कार्यों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है। बिहार छात्रों को बिना किसी समस्या के शिक्षा लोन उपलब्ध हो। छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य शिक्षा वित्त निगम छात्रों की सुगमता से लोन उपलब्ध कराए। भारतीय रेलवे भी अब डिजिटल इंडिया की राह पर चल पड़ा है। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के मद्देनजर अब रेलवे को भी डिजिटल बनाने की मुहिम में जुट गया है। भारतीय रेलवे जल्द ही पेंट्री कार को भी कैशलेस बनाने की योजना में जुट गया है, जिसकी शुरुआत विक्रमशिला एक्सप्रेस से होगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्री अब चाय, नाश्ता और भोजन का भुगतान कार्ड से करेंगे। लोकसभा चुनाव में हार की वजह बताए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद पहले ही सक्रिय फॉर्म में आ गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम हारे नहीं है, हराए गए हैं। राजद को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, परंतु आरजेडी के कार्यकर्ता किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना आगे देखे और सीधे चले। नंदकिशोर यादव ने राजद पर कसा तंज। बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने विपक्षी पार्टी राजद पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष के पास बोलने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। इस बार के चुनाव में भी विपक्षी दलों का हाल लोकसभा चुनाव जैसा ही करके छोड़ेंगे। साथ ही साथ नंदकिशोर यादव ने संजय जायसवाल को उनके नए पदाभार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। बिहार एनआरसी मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बिहार के सीमांचल में भाजपा लगातार एनआरसी की मांग कर रही है, पर जदयू इसके सख्त खिलाफ है। ऐसे में किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीमांचल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, इसी वजह से बीजेपी इस मांग को जोर शोर से उठा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।